अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड, मेरा नाम दिशान है और आप देख रहे हैं नॉलेज एरिना। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक जबरदस्त से फोन के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं Xiaomi Redmi Note 7 की, जिसे आज चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। और जो प्राइस रखी गई है वो है बेस वेरिएंट की, 3GB 32GB वाले वेरिएंट की, $147। और $147 में जो चीजें प्रोवाइड करी गई हैं इस फोन में, प्रोसेसर से लेके, स्क्रीन से लेके, कैमरा से लेके, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो आज हम बात करेंगे Redmi Note 7 की स्पेसिफिकेशन पर और Redmi Note 7 के डिजाइन पे, और बात करेंगे इस फोन की पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड प्राइस और इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइस की। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहता हूं रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में है बेल आइकन, उसे लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अगले से में, जहां पर हम बात करेंगे Redmi Note 7, जिसे मैं ये कहूंगा कि ये किंग फोन होगा मिड रेंज की कैटेगरी में Xiaomi की तरफ से। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे इस फोन के कलर्स की। यहां पर बहुत ही जबरदस्त कलर इंट्रोड्यूस किए हैं Redmi ने। इससे पहले जो हमें Redmi के फोन में कलर्स देखने को मिलते हैं, वहां पर सिंपल गोल्ड कलर, सिंपल सिल्वर कलर और ब्लैक कलर। यहां पर जो कलर इंट्रोड्यूस करवाए हैं Redmi Note 7 में, वहां पर है ट्वाइलाइट गोल्ड, उसके साथ है फैंटेसी ब्लू और तीसरा कलर है ब्राइट ब्लैक। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर है। बात करेंगे फोन की डिस्प्ले की, तो यहां पर 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले लगाया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ। जो पैनल है वो है आईपीएस एलसीडी लगाई गई है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है। जो स्क्रीन डेंसिटी है वो है 409 PPI। तो कम पैसों वाले फोन के अंदर एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले लगाया गया है, और आजकल जो मॉडर्न दौर है वहां पर जो फोन के अंदर नॉच इंट्रोड्यूस करवाई थी, अब वो बिल्कुल ही छोटी कर दी गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले की। फोन में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले लगाया गया है, जहां पर हमें एक छोटी सी नॉच मिलेगी फोन के टॉप पर, जिसमें कैमरा होगा और उसके साथ एक सेंसर दिया जाएगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस फोन में नोटिफिकेशन LED लाजमी दी जाए। इस फोन को शिप किया गया है एंड्रॉइड 9 के साथ, और उसके बाद Xiaomi का अपना MIUI 10 आपको रन करता मिलेगा इस फोन में। तो सॉफ्टवेयर के हवाले से भी ये फोन पावरफुल बनाया गया है। अब बात करेंगे इस फोन के हार्डवेयर की, तो यहां पर भी ये फोन 10 ऑन 10 है। इस फोन में लगाया गया स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, जो GPU है वो है Adreno का 512। और यहां पर तीन वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें पहला वेरिएंट है 3GB 32GB, दूसरा वेरिएंट है 4GB 64GB, और तीसरा वेरिएंट है 6GB 64GB। इन सारे वेरिएंट की प्राइस पाकिस्तान में क्या एक्सपेक्ट की जाएगी और इंडिया में क्या एक्सपेक्ट की जाएगी, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। अब बात करते हैं इस फोन के हाइलाइटेड फीचर कैमरास की। यहां पर दिया गया है 48 MP का एक बैक कैमरा, मतलब 25,000 से 30,000 वाले फोन में 48 MP का एक कैमरा, आउटस्टैंडिंग। तो ये फोन 48 MP कैमरे के साथ शिप किया जाएगा, जिसका f-aperture 1.8 है। उसके साथ दिया जाएगा 5 MP का एक बैक कैमरा, जिसका f-aperture 2.4 है। फ्रंट पर दिया गया है 13 MP का कैमरा, जिसका f-aperture 2.0 है, जो कि एक बेहतरीन सेल्फी आपको प्रोवाइड करेगा। 4K वीडियो नहीं है, लेकिन 1080p फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन पर आप वीडियो बना सकेंगे। सेंसर्स की अगर बात की जाएगी तो डेफिनेटली यहां पर वो सारे सेंसर दिए गए हैं, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जायरोस्कोपिक सेंसर, कंपास। तो जो लोग VR के शौकीन हैं डेफिनेटली वो ये फोन बाय कर सकते हैं। और अब बात करेंगे हम इस फोन की बैटरी की। यहां पर 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि क्विक चार्ज 4.0 को करती है सपोर्ट। बड़ी बैटरी है, चार्ज जो है वो बहुत अच्छा करती है। और बाकी इस फोन की स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई है। बात करेंगे फोन की प्राइस की। यहां पर जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई है $147, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में तो अराउंड 10,000 से 10,500 बनती है। ऑब्वियसली वहां पर कुछ टैक्सीज होंगे तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि 13,000 की प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया जाता है, तो एक बहुत अच्छी प्राइस है वहां के लिए। पाकिस्तान में जो इसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो की जा रही है 27,000-28,000 अगर US डॉलर से हम कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर जो प्राइस बनती है वो 20,000-20,500। और डेफिनेटली आप जानते हैं कि यहां पर टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, तो 28,000 से 29,000 में हम इसकी प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वेरिएंट जो लॉन्च किया गया है उसकी प्राइस रखी गई है $166, जो कि है 4GB 64GB। और यहां पर हम पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैसे बनते हैं तो 24-25,000 रुपए हैं, लेकिन तकरीबन 36,000 से 38,000 में इस फोन को यहां पर लॉन्च कर देना चाहिए। इंडिया में तकरीबन 12,500-13,000 रुपए बनते हैं, तो वहां पर 15,000 की प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो तीसरा वेरिएंट है वो है 6GB 64GB, जिसकी प्राइस है $206। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये अराउंड बनती है कोई 28,000-29,000 रुपए, और
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 45,000 के अराउंड या 50,000 से लेस प्राइस में ये फोन हमें देखने को मिले इंडिया में, ओबेसी 17,000 या ऐसे ये फोन लॉन्च कर दिया जाएगा। वेल, मैं होप करता हूं कि इस फोन के तीनों वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल हों। अभी ये फोन सिर्फ चाइना में लॉन्च किया गया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस फोन को जल्द ही पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए और पाकिस्तानी मार्केट में ये फोन धमाका करने वाला है। वेल, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मेरे लिए अगर कोई सजेशन है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर अ लॉट, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।